व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शब्बीर अहमद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए या तो आपके पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव होनी चाहिए या फिर डीवीडी होना ज़रूरी है। अगर आप यूएसबी पोर्टेबल यूएसबी से इंस्टॉलेशन करेंगे विंडोज़ 10 तो आपकी विंडोज़ बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप डीवीडी से इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ 10 तो उसमें थोड़ा टाइम लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर की बायोस में जाएंगे। बायोस में जाने के बाद फर्स्ट बूट डीवीडी रोम करेंगे या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव करेंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले डीवीडी से बूट करवाया। बूट करवाने के बाद आपकी विंडोज़ स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद फिर यहाँ पे ये सेटअप शो होगा आपको। उसके बाद आप आएंगे विंडोज़ सेटअप में। विंडोज़ सेटअप में आने के बाद ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए सेटअप इज स्टार्टिंग। अब सेटअप स्टार्ट होने के बाद ये देखिए होम 32 बिट, विंडोज़ 10 प्रो 32 बिट। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए विंडोज़ 10 के बहुत से वर्जन है, होम, प्रो, इंटरप्राइज, और यही वर्जन आपको विंडोज़ 64 बिट में भी मिल जाएंगे। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज़ 10 प्रो 64। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करता हूँ आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद अगर आपके पास विंडोज़ 8 है और आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं विंडोज़ 10 में तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप न्यू फ्रेश इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ कस्टम पे क्लिक कीजिए। ये देखिए मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है 60 GB की और इसके पार्टीशन अभी नहीं बने हुए। मैं न्यू पे क्लिक करके सबसे पहले इसके पार्टीशन बनाता हूँ। पार्टीशन बनाने के बाद ये मैंने पहला पार्टीशन बनाया 30 GB का और सेकंड पार्टीशन मैं विंडोज़ पे बना लूँगा। ये देखिए ये सिस्टम रिज़र्व लेगा 100 MB, यहाँ 483 MB, यहाँ 500 MB लिया है इसने, मगर इसको आप 100 MB या 500 MB आपके सिस्टम में लेगा। मगर नीचे आपके पास एक और पार्टीशन आएगा पार्टीशन 2, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए कॉपिंग विंडोज़ फाइल स्टार्ट हो गई। ये देखिए अब ये कुछ टाइम लेगा आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन में, जब तक कि मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। ये देखिए 100% फाइल कॉपी होने के बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट्स, उसके बाद फिनिशिंग अप के बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट सेटअप स्टार्ट होगा विंडोज़ का। रीस्टार्टिंग इन 10 सेकेंड्स। रीस्टार्ट होने के बाद आपका नेक्स्ट सेटअप स्टार्ट हो जाएगा विंडोज़ का। ये देखिए विंडोज़ लोड हो रही है आपकी। जितना फास्ट आपका कंप्यूटर होगा उतनी फास्ट इंस्टॉलेशन होगी।
जी देखिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपसे लाइसेंस की पूछेगा। अगर आपके पास लाइसेंस की है तो यहाँ टाइप कीजिए और अपनी विंडोज़ एक्टिव कर लीजिए। मैं अपनी विंडोज़ बाद में एक्टिव करूँगा, इसलिए डू दिस लेटर करके नेक्स्ट करता हूँ। यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स। ये देखिए, यहाँ पे टाइप करेंगे हम अपना पीसी नेम, जो भी रखना है आपने पीसी नेम। जैसे कि मैं यहाँ पीसी नेम फॉर एग्जांपल किंग रख देता हूँ। और पासवर्ड अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, मुझे पासवर्ड नहीं रखना इसलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखिए, इंट्रो स्टार्ट हो गया विंडोज़ 10 का। अब ये कुछ टाइम लेगा और आपकी विंडोज़ का डेस्कटॉप शो हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, हमारी विंडोज़ कंप्लीट इंस्टॉल हो गई। ये आ गया हमारी विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप। देखिए, हमारी विंडोज़ कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गई। इस तरह आप विंडोज़ 10 अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।